परमेश्वर विज्ञान अध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडिया खेड़ा, आज आपको फसल उत्पादन एवं प्रबंध पाठ के बारे में जानकारी दूंगा। उत्पादन एवं प्रबंध विषय क्या है हमारा? विषय है विज्ञान और पाठ का नाम फसल उत्पादन एवं प्रबंध एवं। तो फसल उत्पादन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फसल क्या होती है। एक ही समय में एक स्थान पर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब हम अनेक पौधे उगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फसल। क्या बोलते हैं? फसल। फिर बताता हूं, एक ही समय में एक ही स्थान पर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम एक ही प्रकार के पौधे लगाते हैं उसको फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। अब फसल उगाने से पहले कुछ क्रियाएं जिन्हें कृषि क्रियाएं बोलते हैं वो करते हैं हम। फसल उगाने से पहले जो सबसे पहली कृषि क्रिया है उसको हम बोलते हैं, नंबर एक, खेत की तैयारी। खेत की तैयारी। फसल उगाने से सबसे पहली कृषि क्रिया है कि हम खेत को तैयार करें। तैयार किस प्रकार किया जाता है? देखो, परंपरागत तरीके में पुराने समय में तो हल चलाते थे बैलों से, ऊंटों से, लेकिन आजकल खेत तैयार करने के लिए मशीनी युग आ गया। और किससे करते हैं? ट्रैक्टर के पीछे क्या जोतते हैं हम? हैरो और कल्टीवेटर बोलते हैं जिनको, जो खेत जिनसे खेत को तैयार किया जाता है। हैरो जो ऊपर के जो पौधे होते हैं उनको उल्ट सुलट करके, जैसे हरी खाद लगानी हो तो हम उसके अंदर पहले हैरो चलाते हैं और कुछ समय पश्चात जब वो हरे पौधे गल सड़ करके तैयार हो जाते हैं तो फिर उसके ऊपर क्या चलाते हैं? उसको तैयार करने के लिए कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं। खेत जब अच्छी तरह तैयार हो जाता है तो हम क्या करते हैं? अगली कृषि क्रिया क्या है? खेत में बीज बोना। खेत में बीज बोना। जब अच्छी तरह खेत तैयार हो जाता है तो हम क्या करते हैं? फिर उसके अंदर जो फसल हमें करनी होती है उसका हम क्या कर देते हैं? बिजाई करते हैं। और बिजाई किस यंत्र द्वारा की जाती है? और परंपरागत तरीके में पुराने समय में वर्ग का परिमाप क्या क्या
परिमाण बना हो चार गुना सभी भुजाओं का योग या चार गुना भुजाए की बात है। चार गुना ये तो हो गया वर्ग का परिमाण। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं हम। वर्ग का क्षेत्रफल परमेश्वर विज्ञान अध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडिया खेड़ा आज आपको उत्क्रमणीय परिवर्तनों के बारे में बताऊंगा। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं पता है बेटा आपको? बताओ आप बताओ। वे परिवर्तन जिनका विपरीत परिवर्तन हो जाता है उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। अंग्रेजी में इनको रिवर्सिबल चेंजेस कहा जाता है। रिवर्स का अर्थ होता है उल्टा, ऐसा परिवर्तन जो हो जाए, घटित हो जाए और फिर उसका वापस परिवर्तन हो जाए। जैसा पूर्व अवस्था में आ जाए वो परिवर्तन, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब देखो मेरे पास ये गुब्बारा दिखाई दे रहा है तुम्हें? अब जिस आकार का, जिस साइज का, अब इसके अंदर मैं बदलाव करता हूं, अब इस गुब्बारे के जो पहले था पूर्वावस्था में था उसमें नहीं रहा है, इसमें बदलाव हो गया। अब हम इसको पूर्वावस्था में ला सकते हैं जैसा पहले था? हाँ ला सकते हैं। हम इसको जो इसके अंदर जो हवा भरी है इसको वापस निकाल देंगे। अब वापस निकालने पर ये पूर्वावस्था में था उसी अवस्था में आ गया। इस प्रकार के परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन जो वापिस हो जाए उल्टे। अब मैंने ये कान है मेरा इसको इस तरह घुमा दिया, परिवर्तन हो गया, लेकिन छोड़ने पर ये पूर्व अवस्था में आ जाएगा। ये किस प्रकार का परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब बेटा बताओ आप समझ गए? बताओ तुम अपने करके दिखाओ, दिखाओ उत्क्रमणीय परिवर्तन गुब्बारे से करके दिखा दो। देखो अब ये बदलाव कर रहे हैं तुम्हारे सामने, जिस तरह मैंने करके दिखाया था उसी तरह गुब्बारों का आकार है वो बदल गया। बदल गया ना, कोई बात नहीं। ये बाकी फूल रहे हैं, इनके अंदर वो मैंने फुला के दिखाया था, बदलाव हो गया। अब इनकी ये निकाल दो बेटा, देखो ये पूर्व अवस्था में आ गए। तो समझ गए सभी? ये परिवर्तन जिनका वापिस या विपरीत परिवर्तन हो सकता है उन परिवर्तनों को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। परमेश्वर विज्ञान अध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडिया खेड़ा आज आपको एक गणित का छोटा सा जादू दिखाऊंगा। अब मेरे पास ये तुम्हें कागज दिखाई दे रहा है? यस सर।
इसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। अब तुम अपने दिमाग से सोच लो, इनमें से कोई एक नंबर सोच लो। सभी अपने अपने दिमाग में कोई एक नंबर सोचने। सोच लिया? देख लो मैं उनको गायब कर दूंगा गरुण नंबरों को। तो सभी ने सोच लिया ना? अब एक सेकंड के लिए तुम अपने आंखें बंद कर लो। कर ले? सोच दो। अब देखो इनमें वो नंबर जो तुमने सोचा है सभी अपने अपने दिमाग में देखें। अपने दिमाग में जो सोचा था उसके बारे में सोचें कि वो नंबर है या नहीं है। कहाँ गया वो? मैंने गायब कर दिया। किस प्रकार से पता चला? किस प्रकार से गायब हुआ? मैं परमेश्वर विज्ञान अध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडिया खेड़ा आपको आज रासायनिक परिवर्तन हमारा उसका विषय विज्ञान है और रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों के बारे में। उससे पहले सबसे पहले विषय हो गया हमारा विज्ञान। क्या हो गया? विज्ञान। और विज्ञान में हम पाठ कौन सा पढ़ रहे हैं? रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन। अब इस सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि परिवर्तन क्या होते हैं। परिवर्तन है? क्या होते हैं? परिवर्तन कहते हैं बदलाव को। किसी चीज में कोई बदलाव आ जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं? परिवर्तन। और परिवर्तन अनेक प्रकार के होते हैं। उनमें विशेष रूप से मैं आज बता रहा हूँ तुम्हें भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है, इसके बारे में बता रहा हूँ पहले मैं तुम्हें। भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं? जिसमें पदार्थ का वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का मूल गुण स्वभाव नहीं बदलता। मूल गुण स्वभाव नहीं होता, नहीं बदलता, वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। जैसे हमने पानी और चीनी को मिला दिया, अब चीनी किस अवस्था में थी? ठोस अवस्था में थी, टुकड़ों में थी कि नहीं थी? और पानी में मिलाने के पश्चात चीनी एड्रेस हो गई, दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब बदलाव हो गया। चीनी का स्वभाव कैसा था? मीठा। अब बदलाव तो हो गया, परिवर्तन तो हो गया, लेकिन उसने अपना मूल गुण स्वभाव नहीं छोड़ा। उसने पानी को कैसा बना दिया? मीठा। इसलिए वे परिवर्तन जिनके अंदर पदार्थ का मूल गुण स्वभाव नहीं बदलता है वो क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन। इसी तरह दूसरा, नमक और पानी का घोल बना सकते हो, वो भी किस प्रकार का परिवर्तन होगा? भौतिक। क्यों? क्योंकि नमक है वो भी ठोस अवस्था में है, उसको पानी में डालोगे उस समय पश्चात बदलाव हो जाएगा, वो पिघल जाएगा, लेकिन वो अपना मूल गुण स्वभाव नहीं छोड़ेगा। उसने पानी को कैसा बना दिया? नमकीन। मैं परमेश्वर विज्ञान अध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडिया खेड़ा आपको आज भोजन के घटक पाठ के बारे में वीडियो के माध्यम से, वीडियो और एक कहानी के माध्यम से भोजन के घटकों के बारे में जानकारी दूंगा। ध्यान से देखें। शुक्रवार का दिन था,
जैसे ही स्कूल में आधी छुट्टी हुई, मीना और उसके दोस्त भाग कर विद्यालय के बगीचे में जा बैठे। सभी को बहुत जोरों से भूख लगी थी। सभी अपना अपना खाने का डिब्बा साथ में लाए थे। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। तुम्हारा पेट क्या इतना बड़ा है? कहाँ है चूहे? मुझे भी देखने हैं। मुझे तो इतनी भूख लगी है कि लग रहा है सिर्फ चूहे नहीं, उनके पीछे बिल्लियां। देखो, इसने कहा कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, और वो दौड़ते हुए दिखाए ना तुमने वीडियो। चूहे दौड़ने का मतलब क्या है? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। मीना कह रही है कि मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे, लेकिन उसका दोस्त क्या कह रहा है कि मेरे पेट में तो ऐसा लगता है मुझे कि चूहे नहीं बिल्लियां भी दौड़ रही हैं। इसका मतलब उसको उससे भी ज्यादा भूख लग रही है। देखें अब बिल्लियां भी दौड़ रही हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर सब मैगी क्यों है? चलो सब अपना डिब्बा खोलो, खाना शुरू करते हैं। जब सब ने हर तरह के, इसमें क्या बताया कि हमारे भोजन में हर तरह के घटक शामिल हों। वह भोजन जिसमें सभी प्रकार के जो आवश्यक पोषक तत्व हैं हमारे शरीर के लिए वो मौजूद हों, उस भोजन को हम क्या बोलेंगे? संतुलित भोजन। जैसे कार्बोहाइड्रेट, पहला घटक क्या बताया? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है? वो हमें ऊर्जा देता है। प्रोटीन, प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि में सहायक है। कार्बोहाइड्रेट हमें कौन कौन सी चीजों से मिलता है? जो भी अनाज है, चावल और गेहूं से ज्यादा मिलता है। अनाज है ज्यादातर, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। प्रोटीन जो दालें हैं, जो दाल होती हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। वसा, वसा हमें जो चिकने पदार्थ हैं जैसे तेल है, घी है, इनसे क्या मिलता है? वसा। और ये जो फल वगैरह हैं, सब्जियां हैं, इनसे हमें क्या मिलता है? खनिज लवण और विटामिन, जो हमारे शरीर की रोग रोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, बीमारियों से बचाने में विशेष भूमिका किसकी होती है? खनिज लवण और विटामिनों की। मैं परमेश्वर विज्ञान अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडिया खेड़ा, छठी कक्षा के बच्चों को खेल खेल में और जॉयफुल लर्निंग के बारे में, सम और विषम संख्याओं के बारे में बताऊंगा। देखो, सम और विषम संख्याओं के बारे में तुम्हें बता रहा हूं मैं कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। सम संख्याएं वो होती हैं जो दो से पूरा पूरा भाग चली जाए। इसका मतलब दो से भाग बार बार घटाने को ही हम क्या बोलते हैं? भाग। अब ये दो बच्चे हैं, ये इनकी संख्या कितनी हो गई? दो। दो इनमें से यदि हम दो ही घटाते हैं तो कुछ नहीं बचता, शेष क्या बच जाता है? शून्य। इसका मतलब इनकी संख्या क्या है? सम। अब इसके साथ ये तीसरा आ गया, अब इनकी संख्या कितनी हो गई? तीन हो गई। कितनी हो गई? अब इनमें से जोड़े घटाएंगे दो दो के, तो एक जोड़ा तो घट जाएगा लेकिन ये अकेला बच जाएगा। इसका मतलब पूरा पूरा बंटवारा दो से नहीं हुआ, दो से पूरा पूरा भाग तीन के ऊपर नहीं गया। अब इनके साथ यदि हम एक बच्चा और लगा देते हैं तो अब इनकी संख्या क्या बन गई? चार। और चार क्या हो गई? अब सम। तीन क्या थी पहले? विषम। अब इनके दो जोड़े बन गए दो दो के, ये पूरा जोड़ा और ये भी दूसरा पूरा जोड़ा। इसका मतलब चार के ऊपर पूरा पूरा दो का भाग चला गया, इसलिए संख्या चार क्या हो गई? सम। इसी प्रकार यदि हम इस अगले बच्चे को इनके साथ कर देते तो इनकी संख्या कितनी हो गई? पांच।
कितनी हो गई? पांच। अब आप बताओ कि पांच सम है या विषम? विषम। क्यों? क्योंकि इनके पूरे पूरे दो दो के जोड़े नहीं बन रहे हैं। अब इनके तो ये दो जोड़े तो बन गए लेकिन ये अकेला बच गया, इसलिए ये विषम हो गई। इनकी संख्या कितनी? पांच। क्या हो गई? विषम। इसी प्रकार यदि हम एक बच्चा और ले लेते हैं तो ये कितने हो गए संख्या में? छह। कितने हो गए? छह। और छह होने पर इनकी संख्या की छह संख्या क्या हो गई? सात संख्या हो गई। इसी प्रकार सात क्या हो जाएगा? विषम। फिर आठ क्या हो जाएगा? सम। नौ क्या हो जाएगा? विषम। और दस फिर सम, क्योंकि दस में भी पूरे पूरे पांच जोड़े दो दो के बन गए। इस प्रकार सम और विषम संख्याओं के बारे में आप बता सकते हो? यस सर। हाँ बताओ बेटा, आप बताओ प्रीति, कौन सी संख्याएं सम है कौन सी विषम है? सर सम संख्याएं वो है दो, दो से पूरा पूरा भाग चले, पूरा पूरा भाग जा रही है। और विषम को है जो दो से पूरा पूरा भाग नहीं जाए। अब तुम खेल ही खेल में समझ गए कि नहीं? इसी प्रकार तुम सारे आपस में, अब ये छह हो गए शाम, मैं इनके साथ मिल गया तो हमारी संख्या अब कितनी हो गई? सात। क्या हो गई? अब किसी को सम और विषम के बारे में कोई संशय रह गया? नौ सर। सभी को पता हो चल गया विषम संख्याएं कौन सी होती है और विषम संख्याएं? मैं परमेश्वर विज्ञान अध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडिया खेड़ा आज आपको कम कीमत वाले टीचिंग एड्स की सहायता से लंबाई के मात्रकों की जानकारी दूंगा। लंबाई मापने के लिए हमें जितनी बड़ी लंबाई मापनी होती है उसी के हिसाब से मात्रकों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे ये मेरे पास स्केल है, इसके अंदर देख रहे हो तुम, ये तो जो 10 छोटी छोटी लाइनें हैं, 10 छोटी छोटी लाइनें हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? मिली मीटर। क्या बोलते हैं? मिली मीटर। उसके बाद 10 लाइनों के बराबर 10 लाइन हो जाती हैं तो उसके बाद हम इनको 10 लाइन 10 मिलीमीटर को छोटी छोटी लाइनों को आगे हम लिख देते हैं, फिर एक सेंटीमीटर। अब ये देखो यहां से शुरू है, ये इन 10 लाइनों के बाद यहाँ ये 11 था, 10 लाइनें छोटी छोटी, फिर 12 आ गया, उसके बाद फिर 10 लाइन, फिर 13 आ गया। इसी तरह हर 10 लाइन के ऊपर अगला जो अंक आ रहा है बढ़ करके एक, उसको हम क्या बोल देते हैं? सेंटीमीटर। इसका मतलब जो छोटी लाइनें हैं वो मिलीमीटर हैं, 10 मिलीमीटर के बराबर क्या बन गया? एक सेंटीमीटर। इसी प्रकार 10 सेंटीमीटर को एक डेसीमीटर बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? डेसीमीटर। और 10 डेसीमीटर का बोल देते हैं एक मीटर। इसका मतलब 100 सेंटीमीटर का हम क्या बोल देते हैं? एक मीटर। क्या बन जाता है? एक मीटर। 10 मिलीमीटर का एक सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर का एक मीटर बन जाता है। और 1000 मीटर को हम क्या बोलते हैं? किलो। एक किलोमीटर। 1000 मीटर को क्या बोलते हैं? एक किलोमीटर। तो जितनी छोटी लंबाई मापते हैं, छोटे से छोटी मापनी हो तो मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं, उससे थोड़ी बड़ी मापनी हो तो हम किसका उपयोग करते हैं? सेंटीमीटर का। और यदि और भी बड़ी लंबाई मापनी हो तो मीटर का। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ज्यादा दूरी मापनी है, बहुत ज्यादा
बड़ी लंबाई मापनी है तो किलोमीटर का प्रयोग करेंगे। आप बताओ, हाँ बेटा बताओ, कितने मिलीमीटर में एक सेंटीमीटर होता है? कितने मिलीमीटर में एक सेंटीमीटर? 10 मिलीमीटर में एक सेंटीमीटर। और एक मीटर में, कपिल बताएगा, बताओ बेटा एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। देखा है ना मीटर, दुकानदार कपड़ा मापने के लिए जिसका प्रयोग करता है, ठीक है। तो 10 मिलीमीटर का एक सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का एक मीटर, और 1000 मीटर का एक किलोमीटर होता है।